हेलो जी नमस्ते, मैं किशोर, फाउंडर एंड सीईओ एसीआई। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बीमारियों की बीमारी माँ बीमारी। चिल्लाना, तोड़फोड़ करना, गाली गलौज करना, हिंसा पर उतर होना, डराना, धमकाना, धौंस जमाना, सामने वाले की कमजोरी का बखान करना, खुद की गलती का दोष दूसरों पर डालना, अविश्वास व्यक्त करना, सामने वाले की बात नहीं सुनना, सामने वाले की फीलिंग की कदर नहीं करना, दरवाजे जोर से बंद करना, दूसरे को अनावश्यक सजा देना, इसके अलावा गाड़ी तेज चलाना, रिश्ते तोड़ देना, अत्यधिक खर्चा करना, खुद को अनोखा समझना, हमेशा खुद की तारीफ पाने की लालसा रखना, शराब आदि नशा करना, ये सभी गुस्सा एंगर के कारण होता है। कहीं भी लंबी लाइन में कतार में खड़े होने की वजह से आप गर्म हो जाते हैं, आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, दिन में हुई किसी बात पर आप नाराज हैं और देर रात तक उसी के बारे में सोचकर गुस्से की आग में जलते रहते हैं। आपके लिए उन लोगों को माफ करना बहुत मुश्किल होता है जो आपको ठेस पहुंचाते हैं। आप अक्सर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते हैं, आप बात बात पर भड़क जाते हैं, फिर शर्मिंदगी महसूस करते हैं या फिर पछताते भी हैं। अब गुस्सा करने के नुकसान। गुस्सा करने वाला व्यक्ति दूसरों का नुकसान कर पाए या नहीं, लेकिन खुद का नुकसान तो जरूर कर लेता है। इससे उस व्यक्ति को हृदय रोग, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, हाई ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, मानसिक तनाव आदि बीमारियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा इस स्वभाव के कारण उस व्यक्ति का कैरियर, बिजनेस, प्रोफेशन पीछे रह जाता है, उसके रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वह व्यक्ति खुद अपनों के दिल पर ऐसे घाव बना लेता है जो कभी भर नहीं पाते। गुस्सा करने वाले व्यक्ति के अपने परिवार वाले भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते, कोई उनसे आराम से बात नहीं कर पाता, ईमानदारी से सच बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। विशेषकर बच्चों के लिए तो यह अनुभव भयानक होता है जो जिंदगी भर उनका दिल दुखाता है। बात करते हैं डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर की। इंग्लैंड के लंदन शहर में मानसिक स्वास्थ्य संगठन ने अंग्रेजी में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था गुस्से से उबलना, समस्या और समाधान। उस रिपोर्ट के मुताबिक करने वाले कई अहम जानकारी दी गई है जो आंकड़ों में भी शामिल थे। 5 साल पहले के मुताबिक आज 84% लोग काम की जगह पर ज्यादा तनाव का सामना करते हैं। दफ्तरों में काम करने वाले 65% लोग या तो खुद भड़क उठे थे या उन्होंने दूसरों को भड़कते देखा था। लगभग हर दिन 45% कर्मचारी काम की जगह पर अपना आपा खो बैठते हैं। दफ्तर में गैर हाजिर रहने वालों में तकरीबन 60% लोग ऐसे थे जो तनाव की वजह से काम पर नहीं आते। ब्रिटेन के 33% लोग अपने पड़ोसियों से खफा हैं और उनके बीच बातचीत बंद है। 64% लोग मानते हैं या दावा करते हैं कि आज लगभग सभी गुस्से स्वभाव के बनते जा रहे हैं। 32% लोग कहते हैं कि उनके किसी करीबी दोस्त या फिर किसी अपने को गुस्से पर काबू रखने में मुश्किल होती है। क्रोध को नियंत्रण में लाने के लिए पहले उसके होने के कारणों को पहचानना जरूरी है। तो पहला कारण, बात करते हैं वक्त। अगर वाद विवाद की संभावना दिखे तो खुद को तर्क से दूर रखिए। गुस्से को शांत रखने के लिए अच्छा गाना गाए या सुनिए जो आपको पसंद हो। तीसरा, अच्छी चीजें सोचें जो आपको खुशी देती हो। चौथा, क्रोध को कम करने के लिए बातचीत बंद करें और खाने में जो चीज पसंद है उसे स्वयं के लिए बनाना शुरू करें तो कुछ समय में ही आपका क्रोध को भूल जाएंगे। पांचवा, योग हमारे शरीर और मन की संतुलन को ठीक रखने में हमारी मदद करता है। आज रोज योगा का और मेडिटेशन का प्रयास क्रोध को नियंत्रण में करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो जैसा कि जानते हैं टॉप के ऊपर ब्रेन के पॉइंट होते हैं रिफ्लेक्स बिंदु और कोरेस्पोंडेंस सुजोग थेरेपी के अनुसार थंब में, तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर प्लास्टिक या मेटल या लकड़ी की जिम्मी से पॉइंट प्रेस करने मात्र से आपको राहत आराम मिल सकता है। इसके अलावा आपको एक्यूप्रेशर फुट मैट के ऊपर पंजों के बल खड़े होना चाहिए, 2 से 3 मिनट पांव को ऊपर नीचे करते रहिए। इसमें आपको मैग्नेटिक हेड बेल्ट, सिर की पट्टी, वो भी आपको हेल्प कर सकती है और इसके साथ आप मैग्नेटिक आई बेल्ट को भी उपयोग कर सकते हैं जिसमें आप आंखें बंद करके एकदम मेडिटेशन में सो जाएंगे, बैठ जाएंगे चेयर पे रिलैक्स होकर, तो आपके गुस्से में बहुत
कमी आ जाएगी। और ये आप अपने हाथ को नमक के पानी से भी धो के देखिए, आपकी बॉडी की बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाएगी। और अगर फिर भी आपको उतना रिलैक्स नहीं मिला है तो आपको एक्यूप्रेशर मसाज देना चाहिए पूरी बॉडी के ऊपर। ये आप ड्राई भी ले सकते हैं, ऑयल लगा के खुद भी ले सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे थेरेपी सेंटर है। इसके अलावा और आपको क्या करना चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे आइए 9702574321 पे, तो हम आपको व्हाट्सएप पे आपको गाइड करने वाले हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है healthkamamla.com, तो उस पे भी मिलिए। दोस्तों आपको ये चैनल पे इस टाइप की बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी जो आपके फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल बहुत आपके 10 टाइप की हेल्प करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए सब्सक्राइब किया है और आपको ये पसंद आया है, आप आगे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने वाले हैं, उसके लिए आपको पहले से ही थैंक यू। मिलते रहेंगे।